ये होटल से नहीं है, ये मैंने घर में खुद तैयार किया है। बहुत खुश नसीब हैं आप। जितनी आप खूबसूरत हैं उतने ही आपके हाथ में जायका भी है। अब ये तो नहीं कह सकता कि रोज रोज आपके घर पर आके खाऊं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि दुबई जाने से पहले आप फरा को सिखा दीजिएगा। अरे नहीं नहीं इसमें मुश्किल कौन सी बात है। आप एक काम कीजिएगा, जब तक आप लोग दुबई नहीं जाते आप जब चाहें आ सकते हैं हमारे घर पे। नहीं नहीं यार, भाभी को जहमत होगी। इसमें जहमत वाली कौन सी बात है, वो भी आपका अपना ही घर है। वैसे आप जा कब रहे हैं? बस कुछ दिनों में जा रहा हूँ, कुछ घर बेचने हैं, उसके बाद दुबई चले जाऊंगा। और आप बताएं क्या चल रहा है? अम्मा तुम भी हद करती हो। जब फोन आया था उसका तो पूछ लेती ना उससे कि मुझसे क्या काम है। उसे तुमसे क्या काम हो सकता है, अपने कर्जे के बारे में पूछ रहा होगा, कितना बचा है, कितना दे दिया। क्या मतलब, मैंने तो उससे 6 महीने का टाइम लिया था और अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है। खैर मैं देखता हूँ क्या करना है। देखो साहब, जो कुछ भी करो सोच समझ के करना। हुमायूं की आवाज बहुत गुस्से वाली थी। अरे मेरी तो बात का जवाब ही नहीं दे रहा था, बस यही कह जा रहा था साथ कहाँ है, साथ से बात करवाएं, साथ कहाँ है, साथ से बात करवाएं। तो गुस्सा करता है तो करे, इतनी दूर बैठकर वो सिर्फ अम्मा गुस्सा ही कर सकता है। उसके आने में भी वक्त है, ये घर अभी 4 साल तक हमारे पास है। परेशान क्यों हो रही हो, मैं कर लूंगा ना कुछ। कोई ना कोई मुसीबत ही होती है। मुश्किल